नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायपुर शहर को 84 नए सफाई वाहनों की बड़ी खेप मिली। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 10 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से कई छोटे बड़े वाहनों का लोकार्पण किया। इन वाहनों के नगर निगम के सफाई बेड़े में शामिल हो जाने से निगम क्षेत्र में कचरा और अन्य दूसरे अपशिष्टों को इकट्ठा करने, उनका परिवहन करने और उनका निष्पादन करने में बड़ी सहूलियत होगी। वहीं इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे, उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा, नगर निगम महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे के अलावा काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर शहर में 500 सीटर बीपीओ सेंटर स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किए। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से ये बीपीओ सेंटर कलेक्ट्रेट के सामने मल्टीपल लेवल पार्किंग के पांचवें तल पर शुरू होगा। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस बीपीओ सेंटर की स्थापना से रायपुर के युवाओं को उन्नत और आधुनिक सुविधाओं के जरिए रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे। बीपीओ से मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों में नौकरी से युवाओं में आत्मनिर्भरता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीपीओ के जरिए कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, डेटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, बैंक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया हैंडलिंग, डेटा एनालिसिस जैसे आउटसोर्सिंग व्यवसाय से युवा जुड़ सकेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 40 कमीशन वाली कर्नाटक की बीजेपी सरकार के अब दिन पूरे हो चुके हैं। जैसे हिमाचल में मोदी जी के दोस्त ने पार्टी छोड़ दी थी और मोदी जी की बात नहीं मानकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वैसे ही कर्नाटक में अब बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ गए हैं। साथ ही कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे इसी प्रकार के माहौल बनते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री की मित्र, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अपील किया फिर भी वो नहीं माने और वहाँ हिमाचल भारतीय जनता पार्टी हाथ से खिसक गई। अब कर्नाटक की बारी है, वहाँ 40% कमीशन से लोग त्रस्त हैं और 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस भ्रष्ट सरकार से निजात मिल सके। डीलिस्टिंग के मामले में मैं यही कहूँगा कि जो आयोजन करता है उनको, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं ना, उनको घिराव करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए। 15 साल में ये बात नहीं आई जब रमन सिंह सरकार में थे, आज वो डीलिस्टिंग की बात हो रही है, रैलियाँ निकाले रहे हैं, तो लोकसभा में पारित करें, कौन रोक रहा है? लोकसभा में ले जाए, उनके 9-9 सत्ता पक्ष के 9-9 सांसद हैं, एक मंत्री है, वो लोकसभा क्यों नहीं उठाते, सरकार में क्यों पास नहीं करते? क्योंकि डीलिस्टिंग का मामला कोई राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं और इसलिए इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके अपने पास इकट्ठा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं, ईडीआईटी क्यों नहीं जाती? मध्य प्रदेश में व्यापम में घोटाला होता है, ईडीआईटी क्यों नहीं जाती? शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, वहां भी ईडीआईटी क्यों नहीं पूछती? इंटरोगेट कर रही है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं भाई, एक चीज बताओ, वहाँ विधायक के घर में 6 करोड़ पकड़ा जाता है, ईडीआईटी क्यों नहीं जा रही है? मध्य प्रदेश में कितना व्यापम का बड़ा कांड हुआ था भर्ती में, उसमें ईडीआईटी क्यों नहीं जाती, सीबीआई क्यों जांच नहीं करती? हजारों करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है,
लोगों को पैसा शासकीय पैसा अडानी कंपनी में लगा है और आज तक के ईडी या सेबी उसको नोटिस तक नहीं दे रही है और उसके खिलाफ जो बोलते हैं उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और अभी अभी जिस प्रकार से सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाया है, एक भी प्रिंट मीडियम मैंने जितना पढ़ा कहीं छपा नहीं है। उसका उस आरोप का जवाब कौन देगा? तो ऐसी खबरें को दबा दिया जाता है या फिर जो बोलने वाले हैं उसकी जुबान। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर हिशा बघेल रविवार को अपने गांव बोरी गारका पहुंची। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए हिशा का भाई दुर्ग स्टेशन पहुंचकर बहन को गाड़ी बैठा कर लाया और फिर पूरे गांव में रोड शो किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। गाड़ी से उतरकर हिशा परेड करते हुए अपनी घर की दहलीज पर पहुंचते ही माँ से गले लगकर रोने लगी। पिता की फोटो पर माला चढ़ाकर उन्हें सैल्यूट किया। दरअसल हिशा के पिता ऑटो चालक थे, कैंसर की बीमारी से उनका निधन हो गया था। घर वालों ने पिता की मौत की खबर बेटी से छुपा कर रखी थी। जब हिशा अपने गांव पहुंची तब पता चला कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। हिशा के आंसुओं से घर के लोग दुखी ना हो इसलिए वो उसी तरह मुस्कुराती रही। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने के लिए काला चश्मा पहना हुआ था लेकिन अपनी माँ को देखते ही वो रोने लगी। पूरे गांव वालों को पहले से पता था कि उनके गांव का नाम रोशन करने वाली बेटी हिशा बघेल 16 अप्रैल को दुर्ग आ रही हैं। इसलिए उन्होंने उसके स्वागत की तैयारी पहले से ही कर ली थी। हिशा बघेल का चयन भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में हुआ है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली बार गाँव लौटी है जिनका स्वागत किया गया। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है जहां सरगुजा जिले में ठग गिरोह लंबे समय से सक्रिय है। आए दिन नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी जैसी वारदात सामने आ रही है। ठग के झांसे में आकर बेरोजगार अपनी जमा पूंजी गवा रहे हैं। कुछ ऐसा ही घटित हुआ है सूरजपुर जिले के रहने वाली दीपिका के साथ, जिसे गांव की एक युवती के द्वारा अंबिकापुर के वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर 35,000 की धनराशि वसूली गई और 4 दिन की ट्रेनिंग पश्चात उसे 35,000 के चंद कपड़े जो क्वालिटी में बेहद खराब थे पकड़ा कर लोगों को बेचने और कंपनी से जोड़ने के काम में लगा दिया गया। 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब युवती को पगार नहीं मिली तो उसे ठगे जाने का एहसास हुआ और उसके द्वारा गांधीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे फेना काट कर न्यायालय का रास्ता दिखा दिया। अब देखना ये होगा कि क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या पीड़ित युवती और उनके परिजन दूर दूर भटकने पर मजबूर होते रहेंगे। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा सुंदरी है। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ, किस प्रकार ठगी हुई है, कौन किया? लुसिना एक्का है सर, तो क्या बोलते हैं, वही मेरे लड़की को झूठ बोल बोल के भुलाई, फिर 35,000 पैसा ली। 35,000 में हर महीना 15,000 पैसा मिलेगा बोले, तो और बोले कि काम है ऑफिस में। मैं कितना 10 बार पूछी क्या काम है, क्या काम है, तो काम है ऐसे ही बोले ऑफिस में। तो मैं सोची दुनिया भर का कंप्यूटर सब काम रहता है तो ऐसे ही देंगे होंगे बोल के 35,000 शुरू में केवल लगेगा। वर्चुअल फैशन लिमिटेड की क्या बोलते हैं वहीं पर, हाँ, तो फिर 35,000 ऐसे ही शुरू में केवल लगेगा। फिर आपका लड़की के लिए हर महीना पैसा मिलेगा, हर महीना 15,000, 35,000 उससे भी ज़्यादा मिलेगा ऐसे बोले। फिर दे महीना पूर्ते तक अब मेरे लड़के के लिए पैसा आ ही नहीं दे रहे सर। तो मैं बोले अभी काहे पैसा नहीं दे रहे, तो आप लोग तो 15,000 बोले, 15 से भी ऊपर, तो बोल रहे पाठर जोड़ना। तो मैं किसी का गरीब दुख इंसान, उन लोग कहाँ, उन लोग 35,000 की 10,000 की 15,000 खोज के लाएंगे, फिर उन लोग अगर पाठर नहीं जोड़ पाएंगे तो उन लोगों को दुख नहीं लगेगा सर। हाँ, जोड़ने के लिए आदमी जोड़ने बोल रहे हैं सर, तो आदमी जोड़ेंगे तभी पैसा मिलेगा बोल रहे हैं सर। पहले बताए थे क्या ये? नहीं बताए थे, काम केवल ऐसे ही बोले थे सर, तभी ना मैं मेरे लड़की को भेजे। जी जी, 35,000 में एक दिन जबरदस्ती रो के मांगी वो मालिक से, तो ही 10 रुपये, हाँ 10,000 दिया है, वो आधा कपड़ा को लौट लिया, आधा कपड़ा 2-3 दिया है। 35,000 के बदले में कपड़ा थोड़ा सा दिया था सर, तो कपड़ा को भी आधा ले गया, तो वही लिया उसी का। मैं बोले पैसा मेरा दो। मेरा नाम सुनील जायसवाल है, वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड हमारी
कम है, उसका मैं संचालक हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से, जैसे क्या है, हमारी जो कंपनी है डायरेक्ट सेल सिस्टम में काम करती है, जिसमें कि यहाँ पे लोग गारमेंट्स को परचेस करने के लिए किसी के माध्यम से आते हैं, जो चार दिन का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग में सारा चीज़ जानकारी दिया जाता है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और आप यहाँ शॉपिंग करने से आपको क्या फ़ायदा है और आपको आगे चल के पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे सेल करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी माध्यम से दीपिका गिद्ध भी ट्रेनिंग लगाई थी, 4 दिन का ट्रेनिंग लगाई और उसके बाद उसने, मेरे को लगता है 25,000 रुपये कुछ ऐसे ही दे के, पैंतीस हज़ार पैसा दे के वो बिजनेस ज्वाइन की, जिसको 35,000 लगा के उसने शॉपिंग की, प्रोडक्ट परचेस की और यहाँ पे अपना कमीशन बेस में काम करने के लिए आईडी उसको मिला, जो कि कुछ दिन काम करने के बाद उसको लगा कि शायद मैं इस जगह पे काम नहीं कर पाऊँगी और 1.5-2 महीने के बाद उसने पैसे वापस करने का मांग कर। बिलासपुर में कार से स्टंट करते रील्स बनाने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने 10,000 रुपए का चालान भी युवक को थमाया है। दरअसल युवकों के स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दरअसल एसपी संतोष सिंह को जानकारी मिली थी कि कार में स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसको लेकर ट्रैफिक टीआई मोहन भारद्वाज को जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी चालकों को नोटिस भेजकर तलब किया। साथ ही युवक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 9,800 रुपए का चालान काटा गया। इस दौरान युवक को इस तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं करने की समझाइश भी दी गई। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने बालोद जिले के एक दिवसीय दौरे पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों और श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कटिबद्ध है और हर संभव प्रयास कर रही है। श्रमिक कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक कई योजनाएं हैं, इसका लाभ श्रमिकों को मिलेगा। सरकार द्वारा मजदूरों के हित के लिए कई नई योजनाएं लाई गई हैं। इसके लिए एक नहीं बल्कि अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से आज का जो एक श्रमिक संगवारी कार्यक्रम रखी गई थी, जिसमें प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि जैसे श्रमिकों को उनसे संबंधित योजनाओं की जानकारी देना और इस संबंध में जो श्रमिकों से चर्चा हुई और उनसे उनकी समस्याओं से भी हम लोग रूबरू हुए, अवगत हुए और संबंधित अधिकारियों को भी वहीं पे निर्देशित भी किए। शेष जो बेरोजगारी दर की बात जहां तक आप करेंगे, तो छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी सबसे कम, अगर बेरोजगारी किसी राज्य में है तो वो छत्तीसगढ़ में है। मनरेगा के माध्यम में भी भारत सरकार का ही ये कहना है कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे रही है और उसी तरीके से अन्य जो लघु उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं। हमारी जो सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है और खासकर बेरोजगार युवा साथी के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे राज्य में अभी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी रीपा के तहत बेरोजगार साथियों को रोजगार दिलाने के लिए ही ये रीपा का औद्योगिकरण किया गया है। और इसके तहत हमारे जो गांव में रहते हैं, हमारे युवा साथी जो युवा मितान क्लब के हैं, जो समूह में काम करते हैं, उनके वहां पे रोजगार दिया जाएगा, ताकि हमारे गांव के क्षेत्र के जो हमारे बच्चे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवती से दोस्ती, प्यार, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक युवती प्राइवेट जॉब करते हैं, इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। युवक उसके साथ शादी करने के लिए अपनी माँ और बहन से मिलवाने गया और रिश्ता तय कर लिया। आरोपी उसे अपनी पत्नी मानकर शारीरिक संबंध भी बनाने लगा। बाद में युवती के कैरेक्टर पर शक करते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। इससे परेशान युवती ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है।
अंबिकापुर शहर के कला केंद्र मैदान में 20 अप्रैल को सर्व यादव समाज की महारैली का आयोजन करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सरगुजा संभाग से यादव समाज के लोग उपस्थित होंगे, जिसमें 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से कुछ मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। वहीं 80 वनांचल में रहने वाले यादव समाज के लिए वन अधिकार पट्टा सहित डेयरी उद्योग की लेकर बढ़ावा देते हुए 50% छूट की भी मांग की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी महारैली में सम्मिलित होने के लिए पहुंच सकते हैं। वहीं प्रदेश के विधायक भी सम्मिलित होंगे, जिसका जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेगा। अभी 20 अप्रैल को सर्व यादव समाज का एक संभाग स्तरीय सम्मेलन है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है वो आना संभावित है। उस हिसाब से तैयारियों को देखा जा रहा है और समाज के लोग भी उपस्थित थे और सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो व्यवस्था करनी पड़ती है, पार्किंग की, ट्रैफिक की और सुरक्षा जो व्यवस्था करनी पड़ती है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग की गई है और जो आवश्यक है दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस डेट को आ रहे हैं? 20 अप्रैल को है डेट और समय करीब वही 1:30 बजे के आसपास। बाहर से भी आने बाहर से भी है, जैसा समाज के लोगों से पता चला है कि बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है, पूरे 5 जिलों में ऐतिहासिक लोगों में उत्साह है और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे, ये अनुमान है। हम लोगों की मंशा है कि इस हमारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर जो शासन के तरफ से कौन खड़ा होगा, इन बातों की समस्या है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच में आएं और आकर के हमारी मांगों के ऊपर गहन चिंतन करके उस मांगों को मनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो 10-15 साल से जो चली आ रही मांग है उसको पूरा कराने का। दिनांक कब है और कार्यक्रम? 20 अप्रैल को कला केंद्र मैदान अंबिकापुर में आयोजित है। कौन कौन मुख्य अतिथि आने की उम्मीद है? अभी अतिथि में माननीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका आने का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि 8 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की फीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। पहले ये सीमा 6 लाख वार्षिक थी। केवल इतने ही नहीं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी, हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, मामा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल कर मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी, अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सके। मेरी सभी बहनें यहां बैठी है, लाडली बहनें भी आई है, मेरी बहनों अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना, हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है, अगर थोड़ा सा सहारा इन बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए यह व्यवस्था की है 8 लाख रुपया तक की जिनकी फी आए है, उन बच्चों की मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, IIT की फीस हो, IIM की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस हो, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी की फीस हो, अब उनके मम्मी पापा नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सागर की पवित्र धरती पर 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि श्री रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी, हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, मामा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल कर मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी, अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरी सभी बहनें यहां बैठी है, लाडली बहनें भी आई है, मेरी बहनों अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना, हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सारी चुनावी तैयारी और जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर दिखाई देती है। कमलनाथ जी खुद जनता के बीच नहीं जाते तो दूसरे नेताओं को जाने के लिए वो कैसे कहेंगे। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। वो दे दे मानता कौन है उनकी, जिनके आपने नाम लिए, अजय सिंह जी के, अरुण यादव जी के, आपको कहीं देखे क्या मध्य प्रदेश में प्रवास में? जब कमलनाथ जी खुद ही नहीं जा रहे हैं तो कोई क्या जाएगा? कागजों की जिम्मेदारी है, कागजों पे देते हैं, कागजों पे ही एक दिन की यात्रा होती है। अभी तक 1 दर्जन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई उनने, सतना में भी और बाकी जगह पे भी, बाल आयोग बाल कांग्रेस तक। आप बता दो एक भी यात्रा कहीं नजर आई हो नक्शे पर। पहले दिन जिस दिन वो झंडी दिखाते हैं उस दिन तो दिखती है वो, उसके बाद कहाँ विलुप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता। वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार आना नहीं है, लेना देना कुछ है नहीं है, सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना है, छलावा पैदा करना है पिछली बार की तरह। और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। जो उनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र कागजी पुलंदा है, रीप्रिंट कर रहे हैं वो, सिर्फ ये रीप्रिंट होने वाला है और कुछ नहीं। तारीखें चेंज होंगी, बाकी तो सब। मैंने समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी हैं, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे, अब तो 170 के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।